Hi guys, welcome to All Mobile Solution. My name is Dilshad Hussain. Infinix Note 11 के बारे में ट्रेड डाउन करके बताऊंगा और ये फोन ट्रेड डाउन करने से पहला All Mobile Solution में ऑफर क्या है वो मैं आपको पहला बता देता हूँ. क्रिसमस में ऑफर नहीं दे पाया, नो प्रॉब्लम, इसमें 31st में आपको मिलेगा. ये आपको जनवरी 7 तारीख तक वैलिड रहेगा ये ऑफर. और क्या ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूँ. आपके पास कोई भी ओल्ड फोन रहेगा 2019 से लेके 2021 के बीच में, जो भी मोबाइल आपका रहेगा, जैसे आप रख दिएगा मोबाइल, उसके अंदर खर्चा ज्यादा आ रहा है या और भी प्रॉब्लम, आप सेल करना चाहते तो सेल भी कर सकते हैं हमारे स्टोर में आके, या दूर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप कुरियर भी कर सकते हैं. जो मोबाइल की वैल्यू रहेगी वो आपको मिल जाएगा. सेल भी कर सकते हैं, या मोबाइल आपके पास दूसरा भी कोई फोन रहेगा वो बनाना चाहते हैं तो वो रिपेयर करके मिल जाएगा. जो फोन आपके पास दूसरा फोन रहेगा वो भी एक्सचेंज करके, जो भी रिपेयरिंग का मतलब माइनस पैसा रहेगा वो आपको करके दे देंगे, और जो ऊपर से पैसा रहेगा वो लगेगा. तो डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस लिखा हुआ, आपके पास जो भी ओल्ड फोन रहेगा आप सेल करना चाहते हो ऑल मोबाइल सॉल्यूशन में आपको करके मिल जाएगा. जो भी मोबाइल की वैल्यू रहेगा वो आपको मिल जाएगा, या दूसरा कोई मोबाइल रिपेयर करना रहेगा तो उसका एक्सचेंज में आपको बनाकर मिल जाएगा. जो ऊपर का समथिंग पैसा जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा. और आपको मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. और अभी इनफिनिक्स का 11 नोट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चलो स्टार्ट करते हैं. दोस्तों मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ पहला, उसके बाद आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ. आप देखेंगे तो इनफिनिक्स का नोट 11 एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है. हाईलाइट देखेगा तो इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले दिया है. इनफिनिक्स के जितने भी सीरीज निकले हैं उसमें नॉर्मल डिस्प्ले दिया है, इसमें देखेगा 6.7 दिया है एमोलेड डिस्प्ले. हेलो G88 प्रोसेस है. और बैक साइड आप देखेंगे तो हाईलाइट वही दिया है. और इसके अंदर चार्जिंग का देखेगा 5000 दिया है mAh बैटरी का, और चार्जिंग आपका एकदम फास्ट हो जाएगा. 33 वॉट दिया है, मेगा पिक्सल 50 मेगापिक्सल दिया है, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया, डबल स्पीकर दिया है जैसा हर इनफिनिक्स के फ़ोन में रहता है. और इसका 4GB रैम, 64GB स्टोरेज. बॉक्स ओपन कर लेता हूँ पहला मैं, और क्या क्या निकला इसके अंदर ये भी देख लेंगे बॉक्स के. पहला आप देखेंगे फ़ोन दिया इसके अंदर भी हाईलाइट वही दिया है. चार्जर है और बाकी के जो इसके कैटलॉग होते हैं, और कवर दिया है. कवर हर बार ट्रांसफर मिलता है वाइट कलर का, इस बार आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का मिला हुआ है, एकदम पतला है. एक इनफिनिक्स का है एक फोन, उसके जैसे ही दिया है. चार्जर आप देखेगा तो टाइप सी सी में दिया हुआ है. चार्जर हैवी है, चार्जिंग आपका एकदम फास्ट हो जाएगा, 33 वॉट का दिया है. ये सब कुछ हटा लेता हूँ मैं और मोबाइल के बारे में बात करेंगे. मोबाइल का आप देखेगा तो हाईलाइट क्या दिया है, एमोलेड डिस्प्ले इनफिनिक्स में फर्स्ट टाइम हुआ है. 6.7 इंच दिया है. स्नैपड्रैगन इसके अंदर जो दिया है मीडिया टेक है, G88 दिया है. यह हटा लेता हूँ, डिस्प्ले की क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगा. पीस में ऑन कर लेता हूँ. डिस्प्ले इंच इसका अच्छा है, 6.7 दिया है. फुल डिस्प्ले दिया है, एमोलेड डिस्प्ले. 750 nits दिया है ब्राइटनेस. और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट वाला ही है, XOS 10 दिया एंड्रॉइड में. पीछे फिनिशिंग की बात कर लेते हैं. फिफ्टी मेगापिक्सल दिया हुआ है. डिस्प्ले की क्वालिटी से आपको पता चल जा रहा होगा कितना अच्छा दिया हुआ है. एमोलेड डिस्प्ले है, स्लिम दिया है. और इस बार का इनफिनिक्स आपको खोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर इनफिनिक्स में आप देखे होंगे, मतलब इनफिनिक्स में ऑलरेडी पूरा सीरीज में बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर. इसके अंदर खोलने का तरीका क्या है, पूरा एक कैप खोलता था मैं कभी भी. इस बार कैसा दिया इनफिनिक्स में, पीछे का बैग जो दिया है ना प्लास्टिक का दिया है, मतलब गिलास नहीं है, तो इसको पहला रिमूव करना पड़ेगा. ब्लोअर से आपको हीटिंग करके निकालना पड़ेगा, इसके बाद ये पूरा स्क्रू खोलना पड़ेगा, इसके बाद ये कैप जो बॉर्डर दिया है साइड का रिंग ये ओपन होएगा. तो इसके अंदर क्या क्या मैं आपको पहला बता देता हूँ. ये वॉल्यूम बटन दिया है अप डाउन, ये पावर बटन दिया, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके साथ ही है. स्पीकर है, चार्जिंग, माइक और एयरफोन 3.5 mm का. और इसके अंदर सिम स्लॉट, डबल सिम मतलब ट्रिपल स्लॉट दिया है. डबल सिम कार्ड मैं निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में. और सिम स्लॉट आपको खोलना रहेगा, क्योंकि पहला क्यों खोलना रहेगा, क्योंकि रिंग निकलेगा नहीं.
और सेल्फी कैमरा दिया, और डिस्प्ले के ऊपर देखेगा ऑलरेडी स्क्रीन कार्ड लगा हुआ है, कंपनी से लगा के आया है। और ये भी रैप निकाल देता हूँ। पीछे की फिनिशिंग देखेगा तो आपका लाइट के सामने चेंजिंग होता है। एक ग्रीन कलर का था, दो वेरिएंट आता है इसके अंदर, ब्लैक और ग्रीन। अब इसको खोलने का तरीका क्या है, पहला आपको ये ब्लोअर से हीटिंग करना रहेगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा और इसके अंदर के जितने भी स्क्रू रहेगा सब आपको रिमूव करना रहेगा। तो फ़ोन पहला मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। इसको प्रेस करके रखना पड़ता है जब ये होता है। जो भी हमारे स्टोर में ये मोबाइल बनता है, जो ट्रेड डाउन करते या फ़ोन बताते, हमारे स्टोर में सब कुछ रिपेयर करके मिलता है। और कुछ पार्ट आपको चाहिएगा तो पार्ट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है और आप हमारे स्टोर में भी आ सकते हैं, नियर मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट में। ये खुल गया, एकदम फ्लेक्सिबल है। कलर देख रहे हैं कैसा चेंज हो रहा है इसके अंदर, इन्फिनिक्स का है। तो हो गया, उसके बाद आपको ये जितना भी दिख रहा है ये गम, ये पूरा निकालना है। ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इसके अंदर पानी जाना रहेगा तो जाएगा आपका पानी, फिर भी सेफ्टी रहेगा। और ये पूरा स्क्रू रिमूव करना रहेगा, टोटल स्क्रू आपको निकालना रहेगा। तो मैं स्क्रू पहला पूरा निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये पूरा स्क्रू रिमूव करना रहेगा, और स्क्रू आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये साइड साइड में इसके अंदर है सब। ये पूरा निकालना रहेगा सेफ्टी से आपको, पहला पूरा निकाल लेता फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये टोटल स्क्रू निकल चुका है, अब इसके अंदर ज़्यादा स्क्रू पूरा निकल चुका है, पर कहाँ कहाँ मेन स्क्रू वो मैं आपको बता देता, आपको पता नहीं चल रहेगा किधर स्क्रू। ये जो कैप है, कैप है इसके नीचे गम से चिपका हुआ रहता, तो इसको भी ब्लोअर से हीटिंग करके ही आपको निकालना है। ज़्यादा इतना भी हीटिंग नहीं करना जो प्रॉब्लम आ जाए। तो इसको मैं पहला निकाल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके नीचे भी स्क्रू कैसे रहते, और इसको एकदम आराम से ही निकालना रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा ये भी। आप देखेगा तो स्क्रू देखो साइड में, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है। यहाँ कैसा निकालने के बाद किसको पता नहीं रहता इसके नीचे भी स्क्रू है, तो उसमें कंफ्यूजन होने की वजह से टूटने का चांस रहता है। तो ये स्क्रू मैं रिमूव कर लेता पहला, उसके बाद ही ये निकलेगा सब कुछ। ये साइड में भी स्क्रू है, ये हो गया पूरा स्क्रू निकल गया। और साइड में आप देखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्टिप इसके साथ ही दिया हुआ, फ्लेक्सिबल स्टिप है, तो उसको भी एकदम ईजी तरीके से ही खोलना है। और यहाँ से नहीं खोलना है, आपको साइड के तरफ से खोलना है, क्योंकि ऐसा खोलेगा तो निकल सकता है। तो इसको पहले से ही आप थोड़ा ना जो गम है इसको लूज़ कर लिया करो, क्योंकि बाद में ना टूटने का चांस नहीं रहेगा। और आपका फिंगरप्रिंट स्टिप ख़राब हो गया तो फिंगरप्रिंट बनना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत पतला रहता ना, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। घाई करना नहीं है आपको, एकदम तरीके से ही खोलना है। ये निकल गया। अभी आपको क्या करना है, सिम स्लॉट यहाँ है, एक ऐप से आपको हल्का हल्का खोलना है। हर इन्फिनिक्स में आप खोलेगा मोबाइल एकदम इजी तरीके से खुल गया होगा, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अभी स्क्रू कैसे इसके साइड में दिया हो। फिंगरप्रिंट पे आपको ध्यान देना है, साइड में भी लॉक ऐसे करते जाना है, एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। अभी इधर जाम हो रहा तो स्क्रू यहाँ टाइट हो रहा है, तो इसको खोलना है। पहला आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट का जो कनेक्टर है वो निकालना है, टूटे नहीं आपका। आप देखेंगे कितना पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रिप जो फिंगरप्रिंट का होता है। ज़रा से भी गलती होगी आपसे तो ये टूट जाएगा फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिया साइट का। अब उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, ये जितना भी कनेक्टर है सब रिमूव करना पड़ेगा। पहला आपको बैटरी का निकालना रहेगा, फिर इसके बाद साइड का ये निकालना पड़ेगा। पूरा रिमूव करने के बाद बैटरी एमएस देखेगा 5000 दिया हुआ है। कैमरा इसका प्राइमरी कैमरा 50 है मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल दिया। सेल्फी इसका 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है। तो ये खोलने से पहले आपको कैसा देगा, दो स्क्रू आपको रिमूव करना रहेगा मदरबोर्ड निकालने से पहला। यहाँ साइड में आप देख रहे थे सिल्वर कलर का, वो निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। कनेक्टर आपको पूरा निकालना रहेगा, लास्ट में आप देखेंगे तो ये नेटवर्क का है, उसको भी निकालना है। जहाँ से तरीका इसका निकालने का वैसे ही निकालना पड़ेगा आपको। साइड में आप देखेंगे तो इसका गमिंग दिया है, इसको भी निकालना रहेगा मदरबोर्ड के लिए।
ये निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि कैप दिया है, ये नहीं निकालेगा तो मदरबोर्ड निकलेगा नहीं। ये गेमिंग भी आप खेल सकते हैं इसके अंदर, हाई वर्जन चला सकते हैं आप। ज़्यादा स्पेसफुल होगा तो हैंग होना चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर मदरबोर्ड में आप मीडिया टेक दिया हुआ है G88, एंड्रॉयड 11 है, अक्टा कोर 2 दिया है। कैमरा देखेगा सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल है, ट्रिपल स्लॉट दिया है, डबल सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, और इसके अंदर कॉलिंग सेंसर, ब्राइटनेस सेंसर, और सेल्फी पे जो फोटो आप खींचते हैं उसका फ्लैश लाइट जो चालू होता है, क्वाइट फ्लैशिंग दिया है, ये साइड में येलो कलर का डबल लाइट दिया हुआ है इसके अंदर, और इसमें 2 मेगापिक्सल दिया हुआ है, और ये 50 मेगापिक्सल दिया जो रियल कैमरा है आपका, और ये कनेक्टर दिया साइड में आप देखेंगे तो, एक ग्रिप दिया ब्लैक कलर का वाटर रेजिस्टेंट के लिए, इनकेस कभी आपका पानी भी जाता है तो सेफ्टी रहेगा उससे, और ये फिंगरप्रिंट का साइड में दिया है, बैटरी का कनेक्टर है। अब ये बैटरी भी निकाल देता हूँ मैं आपको, सेफ्टी से खोलना आपको, ये निकल गया। ये डिस्प्ले का दिया है स्ट्रिप, और ये साइड में आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप दिया है, जो नीचे का स्पीकर रहते हैं लाउड स्पीकर, इसके अंदर वो दिया हुआ है। इसको सेफ्टी से खोलना रहेगा। इसके नीचे 2 स्क्रू है, पहला स्पीकर का निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा जब भी खोलेगा। लाउड स्पीकर दिया है, प्रॉपर आवाज़ आती है इसके अंदर, डबल स्पीकर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, डबल स्पीकर में आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और एक कनेक्टर दिया है साइड में। इसके अंदर कैसा है, एयरफोन जैक का भी दिया है, चार्जिंग का भी दिया है टाइप सी में, और माइक का कनेक्शन भी दिया है। तो माइक किधर है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये माइक देखो इसके साइड में दिया है, ग्रिप के अंदर, अंदर छुपा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। आजकल के माइक कैसे आ रहे, बहुत छोटे आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं, नॉइस कैंसिलेशन भी है, सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं वायर के बाजू में ये माइक, और ये नेटवर्क का वायर है। तो दोस्तों यही सब है वीडियो में, और आपको दोस्तों ज़रा से भी वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले दोस्तों। और ये जो मोबाइल के पार्ट है सब कुछ हमारे स्टोर में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट भी लिखा है, मेंशन किया, कभी फ्यूचर में आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आप लेके आ सकते हैं, हमारे स्टोर में बना कर मिलेगा, या दूर से देख रहे हैं तो कुरियर भी कर सकते हैं, हर मॉडल होता है। और आज के 31st में ऑफर यही है, जो ओल्ड फ़ोन रहेगा आपके पास या दूसरा ओल्ड फ़ोन बना रहेगा तो उसको सेल करके आप रिपेयर करा सकते हैं हमारे स्टोर में, जो ऊपर का पैसा रहेगा वो नॉर्मल आपको देना पड़ेगा, और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो पैसा आपको मिल जाएगा। Thank you for watching my video. Bye bye.